In the lead up to the Paris Olympics 2024, the Indian men's hockey team is leaving no stone unturned in their endeavour to better their performance from last time. In fact, ahead of the biggest sporting event, Times Network spoke exclusively to one of the stars and former captain of the Indian hockey team, Manpreet Singh, who's looking forward to change the medal from bronze to gold this time. Let's listen in. मनप्रीत, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच. मनप्रीत, कैसी तैयारियां हैं? जैसा मैंने कहा, पेरिस ओलंपिक्स बहुत ज्यादा नजदीक है, अब किस तरीके से इंडियन हॉकी टीम तैयारी कर रही है? जो मैडम, पेरिस की तैयारी काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्योंकि ओलंपिक्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है सभी एथलीट्स के लिए, और जैसे कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता था, तो डेफिनेटली यही है कि इस बार हम लोग जो मेडल है उसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग पूरी टीम ही बहुत ज्यादा एफर्ट दे रही है. हम लोग फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं इस चीजों के ऊपर, कि ऐसा ना हो कि जब ओलंपिक्स में जाएं तो किसी भी चीज में कोई कमी ना रहे. मनप्रीत, अभी ऑस्ट्रेलिया भी गए थे आप लोग एक सीरीज खेलने के लिए, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो थी वो शायद अप टू द मार्क नहीं रही होगी, तो ऐसी चीजें जब होती हैं, आपको लगता है एक रियलिटी चेक भी बड़े टूर्नामेंट से पहले जरूरी हो जाता है? आई थिंक वो मैडम हमारे लिए काफी अच्छा सीरीज रही है, क्योंकि वहां से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है. डेफिनेटली हमारा ये था कि हम लोग को वहां सीरीज जीतना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी हमारे पूल में ही थी, बट ये था कि चलो हम लोग ने परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, काफी चीजें हम लोगों ने नई चीजें ट्राई की थी वहां पे, कि हम लोग को अगर कॉम्बिनेशन अलग अलग प्लेयर्स के साथ खिलवाया था, क्योंकि हमारे पास काफी यंग प्लेयर भी थे, तो उनको भी मौका देना था कि हाँ कि वो अपना परफॉर्मेंस शो कर सकें. बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया, बट काफी कुछ सीखने के लिए मिला, काफी कुछ सीखा है उससे कि ओलंपिक्स से पहले कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि यही टीमें वहां पे भी मिलेंगी. ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, सभी को पता है कि काफी अच्छी अच्छी टीमें हैं, तो एक जैसे आपने बोला एक रियलिटी चेक है कि हाँ कि हमें और कौन सी एरिया जहाँ पे हम लोग को काम करने की जरूरत है अभी. मनप्रीत, बात करना चाहूंगी और टोक्यो में जो आप लोगों ने अचीव किया उससे जो एक प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशंस का, ये जो पूरे इस देश की जनता है वो आपसे एक मेडल की उम्मीद पेरिस में भी लगा रही है. आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको शायद आदत होगी इस प्रेशर की, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो नर्वसनेस, वो जो एक अच्छी नर्वसनेस कहते हैं बड़े टूर्नामेंट से पहले जब आप इतने एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी फीलिंग होती है? बिल्कुल मैडम, आई थिंक नर्वस होना अच्छी चीज है. अगर आप नर्वस नहीं हो, आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो, वो गलत है, कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा हर्ट करेगी आगे टूर्नामेंट में जाके. तो अगर आप नर्वस हो, पॉजिटिव नर्वस हो ना, मतलब कि आपको पता है कि अगर मैं नर्वस हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो अच्छी चीज है. तो अगर पूरी टीम का अगर माहौल देखा जाए तो वो काफी पॉजिटिव है. सभी को पता है कि हमारा सभी का एम है कि इसमें हम लोग को मेडल जीतना है, मेडल का कलर चेंज करना है, बट उसके लिए मैडम बहुत चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हमें काम करना है. जैसे कि हमें एक बड़ा एम रखा हुआ है कि हमें मेडल का कलर चेंज करना है, बट उसको कैसे चेंज करना है वो बहुत जरूरी है. मतलब छोटे छोटे स्टेप लेकर हमें जो अपना टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ऊपर जाना है, तो इसीलिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग मैच बाय मैच जाएं, अपना परफॉर्मेंस दें. अगर हम लोग मैच बाय मैच जाएंगे ऊपर एक लाइक अ हर्डल्स, तो हम लोग जो अपना टारगेट है उसको जरूर अचीव करेंगे मैडम.